मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इस बच्चे के साथ में। ये जो डिलीवरी हुई है मेरे सेंटर में, ये एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर की डिलीवरी है, और मैं एक वीडियो ये भी बना रहा हूँ कि फ्रीजिंग का टेक्निक क्या होता है और उसकी प्रिंसिपल क्या है, उसका विज्ञान क्या है। और उसका चमत्कार देखिए कि ये बच्चा डिलीवर हुआ और इसका जो इम्भ्रून है, जो ये 21 मार्च का भ्रूण है, और इस 21 मार्च के भ्रूण में आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो ये फ्रेश एम्ब्रियोज हैं 21 मार्च के। क्योंकि इसको हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में जा रही थी, तो हमने इनका एम्ब्रियो को फ्रीज किया। फ्रीज करने के बाद में जब एक महीने बाद 10 अप्रैल को जब हमने उसको फ्रीज करके फिर पुनः गर्म किया, पुनर्जीवित किया, तो उसकी अवस्था ये थी। मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और इसको जब 10th अप्रैल को ट्रांसफ़र किया था, एक मिनट दिखाना फिर से, 10th अप्रैल को जो ट्रांसफ़र किया था, उसकी डिलीवरी अभी ये पिछले 7 दिन पहले एक सीजर से हुआ, एक बहुत ही स्वस्थ लड़के का जन्म। तो ये एक IVF में एक नई टेक्निक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की है, जो कि एक बहुत ही हेल्पफुल, और ख़ासकर उन महिलाओं की जिनको हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है। और अभी हम ये भी देखे हैं कि विट्रिफिकेशन से किया हुआ एम्ब्रियो से डिलीवरी है। तो विट्रिफिकेशन एक बहुत ही उत्तम तकनीक है। मैं एक ये कैसे होता है, इसका विज्ञान क्या है, वो मैं एक वीडियो में अभी डिस्क्राइब करूँगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।